आप खाली समय में क्या करते हैं? फोन चलाते हैं, गेम खेलते हैं, घूमने तो कम ही जाते होंगे, या जब काम की बात होती होगी तभी बाहर घूमने निकलते होंगे। आपको पता है कि हम क्या करते थे? नागराज और डोगा का नाम सुना है? अगर सुना है तो कितना जानते हैं? कभी पढ़ा है कॉमिक्स इनके बारे में? हम इन्हीं कॉमिक्स को पढ़ते थे। 90 के दशक में किताबों के बीच कॉमिक्स छिपा कर पढ़ने का मजा ही अलग था। दोस्तों के बीच कॉम्पिटिशन होती थी कि सबसे अधिक कॉमिक्स किसके पास है। हम हर शुक्रवार को इंतजार करते थे क्योंकि उस दिन मैगजीन स्टोर्स में नई कॉमिक्स उपलब्ध होती थी। ये बात उन दिनों की है जब भारतीय कॉमिक्स उद्योग अपने चरम पर था और बिक्री का तो पूछना ही नहीं था। लेकिन भारत में आज कॉमिक्स की दशा इतनी खराब है कि आज के मिलेनियल्स को यह पता भी नहीं होता कि उस दौरान के कॉमिक कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट मीडिया पोर्टल, और मैं अभिनव आपको बताऊंगा कि आखिर कॉमिक इंडस्ट्री के बर्बाद होने का मुख्य कारण क्या रहा। भारतीय कॉमिक्स की लोकप्रियता तेजी से घटी है और एक या दो दशक में इसकी बिक्री इतनी कम हो गई है कि शायद ही महीने में कभी कोई नई कॉमिक्स एक बार प्रकाशित होती है। कॉमिक्स के प्रकाशन के इस गिरावट के कई कारण हैं। 70 और 80 के दशक में भारत में बहुत सारे कॉमिक्स प्रकाशक थे, जैसे चंपक, डायमंड कॉमिक्स, राधा कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स, किंग कॉमिक्स और सबसे फेमस राज कॉमिक्स। हालांकि 2000 के बाद भारतीय कॉमिक बुक की बिक्री को मध्यम वर्गीय परिवारों में वीडियो गेम की शुरुआत के साथ साथ लगभग सभी घरों में टेलीविजन के आगमन के कारण एक बड़ा धक्का लगा। बिक्री और प्रचलन में गिरावट आई और कॉमिक बुक प्रकाशन कंपनियों को या तो तोड़ दिया गया या तो विलय कर दिया गया। यह करो या मरो की स्थिति थी, और जैसा कि कहा जाता है कि यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उन्हीं के साथ शामिल हो जाओ। अब कॉमिक पुस्तकों के डिजिटल संस्करण को खोजना आम बात है, चाहे वे भारतीय हो या विदेशी प्रकाशक। हर किसी के पास ऑनलाइन खरीदारी का विकल्प होता है जो पाठकों को उनकी पसंद के डिवाइस, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप आदि पर अपनी कॉमिक एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। 90 के दशक की शुरुआत में राज कॉमिक्स उन सभी में सबसे बड़ी कॉमिक प्रकाशक बनकर उभरी। जल्द ही अन्य प्रकाशकों को या तो अधिग्रहित कर लिया गया या पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इससे राज कॉमिक्स भारतीय कॉमिक उद्योग का एकमात्र पर्याय बन गया। राज कॉमिक्स में हर बच्चे की पसंद और नापसंद को पूरा करने वाले सुपर हीरो की एक विस्तृत कहानी थी। उदाहरण के लिए नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, शक्ति, परमाणु, बांकेलाल, डोगा आदि। न केवल नायक बल्कि उनके पास नागपास, ग्रैंड मास्टर रोबो, काल पहेली, वामन आदि जैसे खलनायक भी थे। समय के साथ साथ अधिक सुसज्जित और लड़ाकू पात्रों के बजाय राज कॉमिक्स ने पौराणिक कथाओं और फिर कहानी में एक ही पात्र के साथ टाइम ट्रैवलिंग आधारित कर दिया। इससे पहले ही टीवी और इंटरनेट की वजह से घटती लोकप्रियता के बाद कॉमिक्स पढ़ने वाले और बोर होते गए। कॉमिक बिक्री में गिरावट का एक अन्य कारण कीमत है, जहां पर एक किताब का मूल्य अब 190 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक का है। राज कॉमिक्स के मालिक मनोज गुप्ता का कहना है कि बढ़ती कीमतों ने निसंदेह बिक्री को प्रभावित किया है, जिसमें 1997 से 2003 तक काफी गिरावट आई है। जब इसका उद्योग अपने उत्कर्ष पर था तब एक कॉमिक्स की 5 लाख से अधिक प्रिंट आसानी से कई हफ्तों तक में बेची जाती थी। आज इसके समकक्ष समान अवधि में 50,000 या 60,000 प्रतियों के बीच भी बड़ी मुश्किल से बिकता है। 90 के दशक में केवल निंटेंडो गेम हुआ करता था, वह भी काफ़ी कम घरों तक सीमित था। बच्चे उन्हें खेलने के लिए अपने दोस्तों के घर जाया करते थे, और यहाँ तक कि गेम के साथ गेमिंग कैसेट 3 या 4 लोगों में शेयर भी किया जाता था। अगर ये कंपनियां इन कॉमिक्स के आधार पर इन पात्रों पर वीडियो गेम भी बनाती तो लोकप्रियता बरकरार रहती, पर ऐसा हुआ ही नहीं और कॉमिक्स की लोकप्रियता लगातार कम होती गई। वैश्विक बाजार के विस्तार के साथ पश्चिमी प्रकाशकों ने भारतीय बाजार में बड़े अवसर को महसूस किया और कॉमिक्स को सीधे भारत में प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। 80 और 90 के दशक में भारतीय बच्चों के पास पश्चिमी सुपर हीरो कॉमिक्स तक की पहुँच बहुत कम होती थी। हालांकि सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन जैसे सुपर हीरो तब भी लोकप्रिय थे, लेकिन उनकी कॉमिक्स काफ़ी कम संख्या में प्रकाशित हुई थी, और वह भी भारतीय प्रकाशकों द्वारा केवल कुछ ही साझेदारी के माध्यम से। 2000 के बाद पश्चिमी कॉमिक प्रकाशक भारत में ही प्रकाशन करने लगे, इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ने लगी। अब तो भारतीय कॉमिक्स को प्रकाशक भी नहीं मिलते हैं। अचानक से मार्वेल और DC कॉमिक्स में बच्चों को एक विशाल और पूरी तरह से अलग
आकर्षक सुपर हीरो ब्रह्मांड मिला। उन्हें इन सुपर हीरोज और उनकी शक्तियों के देसी सुपर हीरो के साथ जुड़ाव का भी एहसास होने लगा। परमाणु को अब कैप्टन एटम के वर्जन से देखा जाने लगा। इंस्पेक्टर स्टील रोबोकॉर्प की फर्स्ट हैंड कॉपी थी नागराज स्पाइडरमैन के साथ, तो वहीं ध्रुव बैटमैन तथा डोगा को लोगों ने पनिशर के साथ जोड़ा। यहाँ तक कि मल्टी स्टारर कॉमिक्स का एकीकरण भी एवेंजर से संबंधित था। कई लोगों को यह लगता है कि भारतीय कॉमिक्स उन्हीं सुपर हीरो के कॉपी थे, यह अलग मुद्दा है। लेकिन सवाल वही है कि एक ने आज अपना एक अलग काल्पनिक ब्रह्मांड बना लिया है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय कॉमिक्स कहीं के नहीं है। इसका कारण है डिजिटलीकरण और पात्रों को वीडियो गेम, फिल्म तथा सीरीज के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना। अगर हम नागराज टीवी सीरीज और डोगा पर कुछ बनी असफल फिल्मों को छोड़ दें, तो भारतीय कॉमिक्स का फिल्म या टीवी सीरीज के निर्माण के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं है। भारतीय दर्शकों के पास इन देशी सुपर हीरो के किरदारों को कार्टून के रूप में देखने का भी विकल्प नहीं मिला। दूसरी ओर डीसी और मार्वेल की सैकड़ों और हजारों फिल्में, टीवी सीरीज, कार्टून सीरीज और यहाँ तक कि अब वेब सीरीज भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। अगर वेस्टर्न डायरेक्टर्स कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अंतर तो बस इतना है कि पश्चिमी प्रकाशकों ने समय के घूमते पहिए और बदलते माध्यम को महसूस किया तथा अपने प्रतिपादन के क्षेत्र में उसी के साथ परिवर्तन किया। यदि आप ध्यान दें तो मार्वेल और डीसी भी मुश्किल दौर से गुजर चुके हैं और कभी वो दिवालिया होने के करीब थे। हालांकि उन्होंने एक मजबूत बौद्धिक संपदा प्रणाली की स्थापना की, जिसने उन्हें अन्य चैनलों जैसे गेम, मर्चेंडाइजिंग, टेलीविजन और लाइव एक्शन फीचर फिल्म से राजस्व जुटाने की अनुमति दी। एक जापानी कॉमिक आर्ट है मंगा और एनिमे, इन्होंने भारत में लोकप्रियता हासिल की। कई युवा भारतीय मंगा और कॉस्प्ले पात्रों पर चर्चा करने के लिए ग्रुप भी बना चुके हैं। अगर ये भारत में लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं तो भारतीय कॉमिक्स क्यों नहीं। अगर फेसबुक पेज जैसे RVCJ और यूट्यूबर्स जैसे बीबी की वाइंस अपना सामान बेच सकते हैं, तो पहले से ही स्थापित और लोकप्रिय राज कॉमिक्स क्या नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए आवश्यकता होगी माध्यम बदलने की और आज के समय के अनुसार उन कैरेक्टर्स में बदलाव लाने की, तथा साथ ही उनके आज के दौर के अनुसार गेम्स और OTT सीरीज से जोड़ने की।